बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का ध्यान रखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप नग्न रहते हैं समाज के बीच, ये पद अच्छा नहीं लगता है, ये भेष कुछ तो कपड़े पहना करो, एक लंगोट लगा लिया करो। मैंने कहा इससे प्रॉब्लम क्या है? बोले समाज में अश्लीलता फैलती है, समाज के कुछ लोगों को कुछ वर्ग ऐसा है जो इस भेष को देख करके सोचता है कि अश्लीलता फैलाने में जैन संत काम करता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखो, मेरी नग्नता ढकने से पहले तुम्हारे सैटेलाइट में जो नग्नता परोसी जाती है पहले उस पे कपड़े होना चाहिए, जो वासनाएं परोसी जाती हैं पहले उन पर वस्त्र होना चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से जो नंगा खेल खेला जाता है उस पर रोक लगना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जो कपड़े कमरे में बंद होकर उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, और जो कपड़े समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं, वो तपश्चर्या हुआ। समाज के बीच नग्न रहना, एक से एक रूप से स्त्रियां आ जाएं, मन में विकार नहीं उठने देना, ध्यान रखना बहुत बड़ी साधना है नग्नता। छुपाने को कुछ नहीं है, खुली किताब सा जीवन हुआ करता है। मान्यवर ऐसी विरासत भगवान महावीर ने मुझे सौंपी है। भगवान महावीर ने एक विरासत दी और हमें वसीयत में पिछी कमंडल और शास्त्र सौंप दिया, और हम महावीर की वो औलाद जिसने केवल पिछी कमंडल शास्त्रों को रखा नहीं है, हम 2600 साल में उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं, ध्यान रखना। अरे बाप की दौलत जो रख ले वो बेटा सच्चा नहीं होता, बल्कि बाप की दौलत को जो विस्तार दिया करता है वो बेटा सपूत हुआ करता है, वो बेटा अपने पिता के सपनों को पूरा किया करता है। मैं भी तुम्हें वसीयत दे करके जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी वसीयत में दौलत ना होगी, मेरी वसीयत में रुपए पैसे ना होंगे, जमीन जायदाद ना होगी, मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें होंगी, ध्यान रखना। संत की वसीयत तुम्हारे लिए नसीहत हुआ करती है, और यदि तुमने उन नसीहतों को स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं इससे बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। मेरी वसीयत नसीहतों से भरी है, लेकिन आज मैं अपनी वसीयत की बात नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हारी बात करने जा रहा हूं। कौन माँ बाप है जो औलाद को कुछ नहीं देते? हर माँ बाप का सपना होता है अपने अरमानों का गला घोंट करके माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, अपने जीवन के साधनों में कटौती कर लेंगे, बच्चों के जीवन में कोई कटौती माँ बाप नहीं करते हैं। झोपड़ी में रहने वाले माँ बाप भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचा करते हैं, आहूतियां दिया करते हैं, कुर्बानियां दिया करते हैं, बलिदान किया करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं, बच्चों के अरमानों को माँ बाप पूरा करते हैं, वो माँ बाप पूरा करते हैं।